शिक्षा और क्या चीज, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है? सड़क बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, ये सरकार के काम है। सरकार काफी नाम हुआ, G20 करा दिया, पूरे प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए। भाई साहब, भाई साहब, आप मीडिया का, आपका, आप मीडिया के आदमी हो, आप मेरा जो भाषण है ना वही रिपीट करेगा। हमको वो सारे मुद्दे चाहिए और जमीनी सतह पे चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो जनता आपको अधिक, नहीं तो जय श्री राम कर्फ्यू कर जाए, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अहम मुद्दा क्या है जनता के बीच में इस चीज के लिए, क्या बात है? अहम मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सवाल कर रहे हो, मुझे शर्म आ रहा है। मोदी जी ने मीडिया को जो जीरो आवर होता है उस आवर में इन्होंने कहा कि सारे मीडिया का बात वही शरब से चुल्लू पर पानी फूट के मर जाना चाहिए भाई। और आप ये सवाल कर, ये सवाल तो आपको मोदी जी से करना चाहिए था। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता, अगर उनके कुछ अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी होती, पारदर्शिता होता, ये सवाल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये पर्दा देख रहे हैं, जरा सा कैमरा दिखाओ तभी, ये ऐसे नहीं, ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है ये आपको पता है? छिपाने की जरूरत क्या? हम ये शर्ट, ये पैंट पहनते, ये मेरी सच्चाई है, हम यही दिखाएंगे, हमारे पास यही है, लेकिन साफ सुथरा है, जिसके पीछे छीटा नहीं, जिससे बड़ी बात हो। कह रहे हैं कि हमने उज्जवल गैस योजना दिया, आवास योजना दिया, शौचालय योजना दिया, आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख का, किस तरह वो भाई साहब, सीए जी का रिपोर्ट क्या है पता है? सीए जी की रिपोर्ट, आपने उज्ज्वला गैस योजना दी, ये एक बात आपने भरा दिया, उसके बंगाल वाले को बेच रहे। चलो इन आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में एक एक नंबर से 40-40, 50-50 आईडी बने हुए, आप ये जानते हो कि नहीं? उसका क्या करोगे? पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाओगे? ऐसा क्या लग रहा है, क्यों बदला होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मोदी वर्सेस मोदी, दोबारा बनने 2024 में जनता तो बात की बात है, पहले होगा मोदी वर्सेस मोदी। मोदी जी का 2014 के पहले का जो भाषण है ना वही रिपीट करेगा। आपको वो सारे मुद्दे चाहिए और जमीनी सतह पे चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो जनता आपको अधिक, नहीं तो जय श्री राम कर्फ्यू कर जाए, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अहम मुद्दा क्या है जनता के बीच में इस चीज के लिए, क्या बात है? अहम मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और क्या चीज, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है? सड़क बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, ये सरकार के काम, सरकार काफी नाम हुआ, G20 करा दिया, पूरे प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए। भाई साहब, भाई साहब, आप मीडिया के, आपका, आप मीडिया के आदमी हो, आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मुझे शर्म आ रहा है। मोदी जी ने मीडिया को जो जीरो आवर होता है उस आवर में इन्होंने कहा कि सारे मीडिया कर्मी बाहर चले, वही शर्म से चुल्लू पर पानी फूंक के मर जाना चाहिए भैया। और आप ये सवाल कर, ये सवाल तो आपको मोदी जी से करना चाहिए था। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता, अगर उनके कुछ अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी होती, पारदर्शिता होता, ये सवाल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये पर्दा देख रहे हैं, जरा सा कैमरा दिखाओ तो भाई, कैमरा दिखाओ, ये पर्दा दिखा दो, ये ऐसे नहीं, ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है ये आपको पता है? छिपाने की जरूरत क्या? हम ये शर्ट, ये पैंट पहनते, ये मेरी सच्चाई है, हम यही दिखाएंगे, हमारे पास यही है, लेकिन साफ सुथरा है, इसके पीछे छीटा नहीं, इससे बड़ी बात हो। कह रहे हैं कि हमने उज्जवल गैस योजना दिया, आवास योजना दिया, शौचालय योजना दिया, आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख का, किस तरह वो भाई साहब, सीए जी का रिपोर्ट पलट के देख लो, ये सवाल करने की जरूरत क्या? सीए जी का रिपोर्ट क्या है पता है? सीए जी की रिपोर्ट, आपने उज्ज्वला गैस योजना दी, ये एक बात आपने भरा दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद सब उठा उठा के फेंक रहा है, बंगाल वाले को बेच रहा है। चलो इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में एक एक नंबर से 40-40, 50-50 आईडी बने हुए, आप ये जानते हो कि नहीं जानते? उसका क्या करोगे? पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब चुनाव के समय आपको ये सब सारे वादे याद आते हैं, आज 10 सालों में आपने क्या किया उसका जवाब? वन नेशन वन चुनाव,
जो एक मुद्दा चल रहा है उसको जनता के बीच में कैसे आप? भैया मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी मेरी थोड़ी देर पहले मैं किसी और चैनल पे बोल रहा था, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसको लागू करने के लिए कम से कम मिनिमम 6 महीने का टाइम है, 6 महीने का, बहुत ज़रा फॉर्मुलेशन चेंज करो, उसके बाद संविधान में सबसे बड़ी जो संविधान को बदलना पड़ेगा, इसलिए जहाँ की सरकार चुनी हुई सरकार अभी अभी रिसेंटली उस सारे को भंग करना पड़ेगा, उसके बाद चुनाव, उसके बाद एक क्लॉज इसमें और डालना होगा कि कोई भी सरकार तोड़ फोड़ के वहां की सरकार ना गिराए, अगर गिरा देगा तो फिर क्या करेंगे, 5 साल के लिए वहां कोई सरकार नहीं रहेगी केंद्र के भरोसे, जैसे जम्मू और कश्मीर में चल रहा है मेरा, आप समझ में क्या कह रहे हो, दुनिया समझ रही इस चीज को, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फिलहाल हो नहीं सकता, हाँ इतना जरूर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ 5 राज्यों का चुनाव करा सकते हैं, इसके लिए बाकी एक वन नेशन वन इलेक्शन इनके बस का नहीं, 67 तक इंदिरा गांधी करवाती रही लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता रहा जिसके वजह से उसको रोकना पड़ा और दोबारा ये अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके एक सबसे बड़ा जो कारण है संविधान तो हो गया, दूसरा है कि हमारे देश का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो सबसे बड़ा है, इसमें हम नहीं करते। तो कैसे जनता किस 2024? देखो 2024 में आप ये वन मिशन की जो बात चल रहा था ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इतनी पॉपुलेशन ये नहीं हो सकता, हर स्टेटों से हर उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि पार्लियामेंट में पास कर दिया वन साइड है ऐसा कर दिया, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ ग्राम स्तर से लेकर दुनिया भर के पूरे देश में चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान का अलग होता है, पंचायत सदस्य का चुनाव अलग होता है, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव अलग होता है, जिला परिषद के चेयरमैन का अलग होता है, BDC का अलग होता है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव अलग होता है, कैसे इसको कवर कर लेंगे भाई है? इनका तो सिर्फ एक मिशन विजन यही है कि जिन स्टेटों में आए किसी तरकीब से ये सरकार गिराए और पब्लिक को गुमराह करें, टाइम बर्बाद करें, क्योंकि पब्लिक का मूड अपोजिशन का बन चुका है, वो ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो देश की व्यवस्था को कायदे से सुचारू रूप से देश को आगे बढ़ाए। अरे चंद्रयान सफल हुआ है मोदी जी का, कहीं ना कहीं उसमें अहम रोल है, पहले इतना पट्टी नहीं किया था। मेरी बात ये तो उन बच्चों को उन साइंटिस्टों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने जिस माँ ने उनको जन्मा है, ठीक है इसमें फंड की और उसकी क्या बात होता है, ये मिशन तो राजीव जी के पीरियड से चल रहा था, सबसे चल रहा था, अपने मिशन को लेकर साइंटिस्ट समय पे अब कामयाब हो गए हैं, इसमें किसी का प्रधानमंत्री का या अदरवाइज किसी का क्या धन्यवाद है, धन्यवाद उन जननी को देना चाहिए जिस माता ने उन बच्चों को जन्मा और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उनको नाम लिखवाया, इसमें अपने को इस टाइप का बात लेना ये छोटी बात होती है, पब्लिक में बहुत गलत मैसेज जाता है इस बात का। 3 चीजें है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया वर्सेस भारत चेंज करना, ये सब फिलहाल पॉसिबल नहीं है, जनता को जो उनका मुद्दा है उसे भटकाने के लिए झूला टाइप थोड़ा, लेकिन इससे अलग भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी ये मुमकिन है कुछ भी कर सकता है, उसका भी विकल्प हम लोग सोचते हैं ना मेरे, तो फिर कैसे कांग्रेस कैसे आएगी क्योंकि उनके साथ। नमस्कार, मैं हूं अहमद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।